नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज चौधरी। दोस्तों, आज का विषय है ग्राम पंचायत प्रधान, जिन्हें हम सरपंच भी कहते हैं, गांव के मुखिया भी कहीं कहीं कहा जाता है। दोस्तों, कहते आए हैं कि गांव का मुखिया अगर ईमानदार और कार्य के प्रति सजग हो तो भारत के प्रत्येक गांव को एक शहर की तरह हर सुविधा से संपन्न बनाया जा सकता है। जहां शौचालय, आधुनिक शौचालय, जहां मॉडर्न विद्यालय, जहां पंचायत घर इतने सुंदर बनाए जा सकते हैं कि शहरों में भी देखने को नहीं मिलते। जो आप इमेज देख रहे हो ये वास्तविक हैं, ये आपको एक महल लग रहा होगा, ये आपको किसी करोड़पति का घर लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तविकता में भारत की पंचायतों के पंचायत घर ही हैं। ये वास्तविकता में शौचालय ही हैं जिनको सरकार के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप अपने गांव में ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि असंभव है। आप अपने गांव के शौचालय देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे शौचालय हो ही नहीं सकते कि सरकार बनवा दे। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता यही है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सबके गांव के प्रधान वो लोग प्रधान बन गए जिनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। वे प्रधान अधिकारी बन गए जिनको पता ही नहीं है कि प्रधान के पद का कर्तव्य क्या है। उनका काम है गांव में गुटबंदी करना, गांव में पार्टी बंदियों को और बढ़ावा देना, एक दूसरे से लड़ाई कराते रहना और लड़ाइयों के द्वारा दो गुटों में गांव को बांटे रखना, जिससे कि जब प्रधानी हो तो डराकर, अरे वो तो आपको खा जाएंगे, अरे दूसरा पक्ष तो गुंडा है, अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो बदमाश रहे हैं, इनके तो बुजुर्गों से बदमाशी चली आ रही है, ETC आप बातों को भ्रमित किया जाता है और आपसे वोट लेकर फिर आपका शोषण किया जाता है। तुम में और उनमें अंतर क्या है? हर गांव का यही सिलसिला है, हर गांव की यही कहानी है, हर गांव में यही प्रधानी को लेकर होता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से डराता है, कुछ बीच बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं, वो लड़ाइयों को मुद्दा बनाकर फिर तनातनी करा दी जाती है। गांव के युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि इस तनातनी को व्यक्तिगत रखें। आपका किसी भी व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति का किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है, तो उसको प्रधानों के पास इस दृष्टिकोण से न जाने दें कि ये पार्टीबंदी की बात है। नहीं, झगड़े की तात्कालिक बिंदु को समझा जाए, उसको भूतपूर्व पुरानी लड़ाइयों से न जोड़ा जाए। पुरानी लड़ाइयों से जोड़ दोगे तो फिर वही रंजिशें, फिर वही पुरानी बातें, खून खोलना और दिमाग में न जाने क्या क्या गोबर भर देते हैं। आपको बचना है, आप समझदार हैं। किसी शराबी ने किसी के यहाँ जाके गाली दी, उसे पीट दिया गया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी को अधिकार नहीं किसी के द्वार पर जाकर गाली देने का। आप उसे पार्टीबंदी मत बनाइए, मत जुड़ने दीजिए पार्टीबंदी से। आप युवा हैं, आप समाज सेवक हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। आपका कर्तव्य है गांव के प्रधान के विरोध में। मैं भारत के प्रत्येक युवा से एक अपील करना चाहता हूं। मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर अपने गांव में समाज सेवा सर्वोपरि नाम से समिति बनाई। वो समिति का उद्देश्य था समाज की सेवा करना, लेकिन एक विचार तत्काल एक आया कि क्यों ना हर गांव में एक समिति बने जिसके 8-10 युवा, जो गांव के प्रत्येक परिवार और कोने से हो, हर मोहल्ले से हो, उस समिति का नाम रखे समाज सेवा सर्वोपरि। प्रधानी का पद का जो चुनाव होता है उसमें जो हो रहा है होने दो, जो पार्टी बंदी निभा रहा है निभाने दो, लेकिन जिस दिन जो भी प्रधान उस चुनाव को जीते उस प्रधान के सामने खड़े हो जाओ कि प्रधान जी, आपको 1 साल दी जा रही है गांव के विकास के लिए, आप हमें लिखित में देंगे कि कौन सा विकास क्यों नहीं हो रहा है और हम जो बताएंगे वो विकास क्यों नहीं हो रहा है, कारण बताइए। देखिए, प्रधानी का जो पद होता है, गांव की प्रधानी का, उसकी साइकोलॉजी और उसकी फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। प्रधान का दर्शन यह है, जब भारत आजाद हुआ और भारत में प्रधानी प्रधानमंत्री के पद का सृजन होने लगा, चुनाव होने लगे, तो प्रधानमंत्री जो योजनाएं बनाते थे, केंद्र जो योजनाएं गांव के लिए बनाता था, CM जिन योजनाओं को गांव के लिए भेजते थे, उन योजनाओं को चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, घर घर तक पहुंचाने के लिए कोई पद नहीं था। तो क्या हुआ, फिर प्रधान के पद का, सरपंच और मुखिया के पद का सृजन किया गया, उसको बनाया गया। अर्थात प्रधान के पद का कार्य है केंद्र और राज्य की योजनाओं को गांव के घर घर तक पहुंचाना। लेकिन हो क्या रहा है, प्रधान खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं, प्रधान खुद को मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समझने लगे हैं। ये दुर्भाग्य है, और नहीं तो क्या है, दुर्भाग्य।
आप युवा हो, आपका कर्तव्य है अपने गांव के प्रधान को यह याद दिलाना कि आप राजा नहीं हो, आप सेवक हो। आप सेवक जिसका कर्तव्य है कि केंद्र की प्रत्येक योजना को, ज्यादा से ज्यादा योजना को अपने गांव और अपनी पंचायत में लाना और घर तक, घर घर तक उस योजना को पहुंचाना। अगर भारत में आध्यात्मिकता की बात करें तो आपने देखा होगा, मैंने सुना है बड़े बूढ़ों को कहते हुए कि हर प्रधान का नाश होता है, एंड में हर प्रधान का पतन होता है। इसका कारण यही है कि प्रधान अपने धर्म का पालन नहीं करता, प्रधान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और बेचारे लोग डर जाते हैं पार्टीबंदी की वजह से। उनकी भी कमी नहीं है, झूठे आरोप लगवा दिए जाते हैं, झूठे केस लगवा दिए जाते हैं कि ये तो उस पार्टी का बच्चा है, इसके इस पर रेप का केस लगाओ, इस पर छेड़छाड़ का केस लगाओ, इस पर उल्टे सीधे केस लगा दिए जाते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, उनको थाने में ले जाकर इतना बड़ा बनवा दिया जाता है कि सामने वाला डर जाता है कि प्रधान है राक्षस, ये प्रधान है या कोई न्यायाधीश है। मेरे प्रधानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपका कर्तव्य है गांव की सेवा करना। चुनाव जीतते टाइम आपने जो साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया हो वो ठीक है, आप जीत गए, अब आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपका, मैं हर प्रधान से छोटा ही हूं क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं है, तो सब मुझसे बड़े हैं, कोई मेरे चाचा होंगे, कोई भैया होंगे, कोई भाभी होंगी, कोई ताई होंगी, कोई दादा की उम्र के होंगे। सबसे निवेदन है अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास पर ध्यान दीजिए। आपके द्वारा किए हुए कर्म आपकी पूजा होंगे और उन्हीं के परिणाम के आधार पर आपको स्वर्ग मिलेगा और गांव में जीते जी आपको यश मिलेगा। आप किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो उसका विकास कराइए, हर व्यक्ति का ईमानदारी से जितना पैसा आया है शौचालय बनवाइए। आटे में नमक की बराबर भी आप खाओगे ना तो भी आपकी पुश्तें पल जाएंगी, लेकिन पूरा आटा ही खा रहे हो, पूरा नमक ही खा रहे हो, अपच हो जाएगी प्रधानों से। मेरी प्रार्थना है ऐसा मत कीजिए। हर युवा, हर गांव के, हर पंचायत के मेरे युवा से प्रार्थना है, मेरी इस बात को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाओ कि आप अच्छे युवा, 8-10 युवा कम से कम हर गांव में इतने अच्छे होते हैं कि जो हर पार्टी बंदी से ऊपर उठे होते हैं। एक समिति बनाइए, समाज सेवा सर्वोपरि उसका नाम रखिए, हमने अपने गाँव में बनाई है। कोई सहायता हो हमसे मिल सकते हो, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, थोड़ी बहुत हेल्प जो प्लानिंग को लेकर, कानूनों को लेकर हम कर सकते हैं। हमारे हमारी समिति के सदस्य जैसे दिगंबर है, बहुत कानूनी समझ है, आप उनसे हेल्प लीजिए, बहुत हेल्प करेंगे। तो एक समिति बनाइए और प्रधान के विरोध में खड़े हो जाइए। अब ये विरोध पार्टीबंदी का नहीं, समिति का है, समाज का है और आपके अधिकारों का है। ये लोकतंत्र का विरोध है। विपक्ष का काम समिति करे तो पार्टीबंदियां उसी साल खत्म हो जाए। विपक्ष का काम दूसरी पार्टी को मत करने दो। विपक्ष का काम प्रधान के परिवार से एक दो बंदा जरूर होना चाहिए जो खड़ा हो, आसपास के परिवारों से होना चाहिए, विपक्ष की पार्टी के परिवारों से अच्छे बंदे होने चाहिए, तब देखिए आपके विकास गांव का कैसे नहीं होगा। आप इमेज देखिए जो चल रही है साथ में, ये स्वर्ग से सुंदर गांव बने हुए हैं, स्वर्ग से सुंदर। मेरा भी अपने गांव के प्रति ऐसा ही सपना है, मेरा गांव स्वर्ग से सुंदर हो, वहां का ग्राम पंचायत भवन ऐसा हो कि मक्खी रपट जाए, इतना सुंदर मार्बल्स टाइल्स लगी हो, गांव का प्रत्येक शौचालय ऐसा हो कि इंसान का उसमें बैठे ही रहने का मन करे, इतना सुंदर बनवाया जा सकता है। गांव में एक पार्क हो, बच्चों के खेलने का एक जिम हो, एक लाइब्रेरी हो, एक सामूहिक रूप से मूवी देखने के लिए कोई ऑडिटोरियम बनवाया जाए, बड़े बूढ़े महाभारत देख रहे हैं शाम को डेली, 1 घंटे रामायण चल रही है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड हो, व्यवस्थित रूप से गरीबों के लिए थोड़े थोड़े प्लॉट कटे जगह हो तो, जैसे मेरे गांव में है और कटने चाहिए। और विद्यालय, विद्यालय इतना मॉडर्न होना चाहिए, विद्यालय में कंप्यूटर्स हो, आरओ हो, खाने की उचित से उच्च व्यवस्था हो, मार्बल्स लगी हो। सरकार पैसा दे रही है तो मैं अपने घर से थोड़ा ही लगाना है, किसी प्रधान को अपने घर से लगाना पड़ जाता ना तो सच में ये गाँव के लोगों के खेत बेच के खा जाते, इतना बुरा हाल है गाँव के प्रधानों का। प्रधान के पद को राजा का पद मत समझिए, प्रधान का पद सेवक का पद है और ईश्वर ने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना है, तो सेवा कीजिए, सेवा। एक समस्या प्रधानों के सामने भी है, किस किस का विकास करा है, किस किस का बात को सुने, किस किस की बात को माने। उसके लिए पहला सॉल्यूशन है कि जनता से एक प्रार्थना है कि चुनाव के टाइम दारू मत मांगा कीजिए, चुनाव के टाइम पैसा मत मांगा कीजिए, चुनाव के टाइम खर्चा मत कराइए प्रधान का, लेकिन 5 साल उसे जीने मत दीजिए, इतना काम कराइए उससे, इतना भगाइए उसको, इतना दौड़ाइए उसको, ब्लॉक जा, तहसील जा, जिले पर जा, मुख्यमंत्री के पास जा, लेकिन विकास लेके आ, विकास लेके आ। और ये काम आपकी समिति करेगी। आप 10 बच्चों की समिति बनाइए, वो पढ़े लिखे भी होंगे, समझदार भी होंगे और मेहनत कराएंगे प्रधान से, प्रधान के साथ मेहनत करेंगे, ये संभव है।
पैसे मत मांगिए, शराब मत पीजिए प्रधान के पैसों से, प्रधान का खून पीजिए, उसका पसीना बहवाइए, पसीना बहाने दीजिए उसको, इतनी मेहनत कराइए उससे, तो जनता भी थोड़ा सा खुद के अंदर परिवर्तन लाए और प्रधान को पार्टी बंदी के दृष्टिकोण से न देखे, प्रधान के घर पर जाए। प्रधान कहता है मैं सुनता रहता हूं, ऊपर से आता ही नहीं है पैसा, भ्रष्टाचार है, पूरा सिस्टम खा जाते हैं। भाई प्रधान का पद था जनता का प्रतिनिधित्व करना, पूरे गांव की जनता तो ब्लॉक जा नहीं सकती, ठीक है। जब प्रधान को भेजा गया, अगर ब्लॉक का कोई अधिकारी, तहसील पर कोई अधिकारी, एसडीएम डीएम आपके गांव के लिए विकास नहीं भेज रहा है, तब आप अपने गांव के दोनों पक्षों से, तीनों पक्षों से दो तीन ट्रैक्टर भर के ले जाइए और जाइए धरना दीजिए, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। आप भोली भाली जनता को बेवकूफ मत बनाइए कि कोई सुनता नहीं है, भ्रष्टाचारी है, मत बनाइए, मूर्ख मत बनाइए। जिस दिन आपके गांव में एक समिति खड़ी हो गई 10 बच्चों की, उस दिन आप जनता को मूर्ख बनाना बंद कर देंगे। इसलिए युवाओं से निवेदन है, तटस्थ होकर अपनी मानसिकता को थोड़ा ऊंचा उठाकर गांव की प्रधानी को थोड़ा सा नीचे दबाकर एक रिस्क लीजिए, एक मेहनत कीजिए, थोड़े दिन की मेहनत रंग लाएगी, और प्रधान के विरोध में या प्रधान के साथ एक समिति की खड़ी कीजिए जिसके द्वारा विकास कीजिए अपने गांव का। आपका कर्तव्य है जिस गांव में जन्मे हो, भगवान राम ने भी कहा था मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है, मेरी मातृभूमि मुझे स्वर्ग से ज्यादा प्रिय है, मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता, मैं स्वर्ग को ठुकरा दूंगा। तो आप अपने गांव को अपना स्वर्ग बनाइए, अपने गांव में वो हर सुविधा खड़ी कीजिए जो आप शहर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल, विद्यालय, जिम, लाइब्रेरी और जो भी आप चाहते हो, कंप्यूटर सेंटर, स्त्रियों के लिए मशीनों का सिस्टम, बहुत कुछ आप कर सकते हो अपने गांव में। जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, जरूरत है एक गांव की समिति की, समाज सेवा सर्वोपरि समिति की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।